और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। और अब बड़ी खबर, दिल्ली से यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक आज। तो बैठक में सीएम योगी होंगे शामिल, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक भी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो यूपी बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक आज होने जा रही है, जिसमें भूपेंद्र चौधरी, चुनाव प्रभारी, संगठन महामंत्री भी मौजूद रहेंगे। और यूपी की बची हुई सीटों को लेकर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। तो जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में ये बैठक होगी। कोर ग्रुप की बैठक के बाद चुनाव समिति की बैठक होनी है और सीईसी बैठक में पीएम उम्मीदवार पर लगाएंगे मुहर। तो बैठक के लिहाज से आज का दिन काफी अहम रहने वाला है। तो यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक आज होने जा रही है, दिल्ली से यह बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच चुके हैं इस बैठक में शामिल होने के लिए। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, चुनाव प्रभारी, संगठन महामंत्री भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। तो यूपी की बची हुई सीटों को लेकर आज मंथन कोर ग्रुप की बैठक में। जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे, उन्हीं के नेतृत्व में यह बैठक होनी है। कोर ग्रुप की बैठक के बाद चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसके बाद सीईसी बैठक में पीएम उम्मीदवारों पर मुहर लगाएंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक से जुड़ी हुई। तो यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की अहम बैठक आज होने जा रही है, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष, चुनाव प्रभारी, संगठन मंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे संवाददाता निखिल, हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। निखिल, बैठकों के लिहाज से आज का दिन काफी अहम रहने वाला है, यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक जिसमें बाकी सीटों पर भी मंथन। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की सूची पहले ही जारी कर दी और अब चुनाव आयोग ने भी इस बात की घोषणा कर दी है देश में चुनाव होंगे, किस तरह से चुनाव होंगे वो भी बता दिया है। 7 चरणों में चुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं, लिहाजा अब उत्तर प्रदेश के उम्मीदवारों के नामों के ऐलान को लेकर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक बुलाई गई है। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश सरकार के दोनों उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही संगठन महामंत्री मौजूद रहेंगे और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। जिन 24 सीटों पर अपने प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी को उतारने हैं उनके नामों को लेकर मंथन होगा। कहा जा रहा है कि कुछ उम्मीदवार ऐसे हैं जो पिछली लिस्ट में थे, उनको लेकर भी कुछ विचार विमर्श होगा, यानी वहां भी कुछ बदलाव होने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी ने यह तय कर दिया है कि ज्यादातर वही प्रत्याशी मैदान में उतारे जाएंगे जो जिताऊ हैं और ज्यादातर जो पिछली बार जो है अपनी सीटिंग जो है लोकसभा सीट से सांसद हों। तो भारतीय जनता पार्टी को ये बात बखूबी पता है कि ज्यादातर पुराने लोगों पर ही भरोसा जताना है और ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो 80 सीटों का टारगेट लेकर चल रही है उत्तर प्रदेश में, उसमें उसे बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली, जिस तरह की रणनीति पर काम कर रही है, जिस तरह के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं उस हिसाब से अभी तक जितने उम्मीदवारों को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है ज्यादातर प्रत्याशी उसमें से जिताऊ प्रत्याशी हैं। अब बात की जाए आज की बैठक की, तो आज की बैठक में जो है ये तय किया जाएगा कि जो 24 प्रत्याशियों को मैदान में उतारना है उनके नाम कौन कौन से होंगे और उन उम्मीदवारों को किस तरह से लड़ाना है, कौन कौन से समीकरण होंगे। तो भाजपा आज जो है अपने बाकी बचे हुए उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान कर देगी, क्योंकि अब चुनाव आयोग ने जो है तारीखों का ऐलान कर दिया है, लिहाजा अब इसमें बहुत देर नहीं लगने वाली। जी बिल्कुल, 24 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी इस बैठक के बाद संभव माना जा रहा है निखिल। लेकिन साथ ही साथ ये भी अटकलों का बाजार गर्म है कि इस लिस्ट के जरिए, इन 24 उम्मीदवारों के जरिए कई ऐसे नए उम्मीदवार होंगे, नए ऐसे चेहरे होंगे जिन्हें मैदान में उतारा जा सकता है। तो आप ग्राउंड पर हैं, अगर उन नए नामों की अगर बात करें तो चर्चाओं का बाजार किस तरह से इन नए नामों को लेकर? देखिए, नए नामों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पिछले जो उनकी लिस्ट आई उसमें ही तय कर दिया था कि बहुत ज्यादा नए प्रत्याशी होने वाले नहीं है। 4 लोकसभा सीटों पर पिछली बार प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने बदले हैं, वो भी हारी हुई सीटें थी। तो जो हारी हुई सीटें हैं 24 में उस पर प्रत्याशी बदला जा सकता है, बाकी लिस्ट में कोई बदलाव आमतौर पर देखने को नहीं मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी ने पिछले ही लिस्ट से ये तय कर दिया है। ये माना जा रहा था शुरुआती दौर में कि जो 72 प्लस हैं उनको टिकट नहीं देगी भारतीय जनता पार्टी, बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जिनको बदलना है भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन जो पिछली सूची आप देखिए उस सूची के आधार पर ये तय हो जाता है कि भाजपा ने ये तय कर लिया है कि जो उसके सिटिंग एमपी हैं उन्हीं को इस बार भी टिकट देगी। और 4 जो उम्मीदवार पिछली बार बदले गए हैं भारतीय जनता पार्टी के, उसमें ज्यादातर हारी हुई सीटें, तो इस बार भी भारतीय जनता पार्टी का आकलन मुझे लगता यही होगा कि जो हारी हुई सीटें हैं
उस पर समीकरण जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण के आधार पर प्रत्याशियों को अगर बदलना है तो बदल दिया जाए, लेकिन पुरानी सीटों पर वही प्रत्याशी उतारे जाएंगे जो पहले से जो सिटिंग एमएलए एमपी मान लीजिए। बिल्कुल निखिल, और आज कोर ग्रुप की बैठक के बाद जो स्थिति है और सीटों को लेकर जो दावेदारी है वो तस्वीर साफ होते हुए नजर आएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो यूपी बीजेपी